हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम कहते हैं किस चीज़ प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं। ये मैंने अपने GoPro के लिए ट्राइपॉड मंगाया, तो इस ट्राइपॉड का रिव्यू करने वाले हैं। जो हम GoPro से ब्लॉगिंग करते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ हमारी हैंड जो होती है ये इसमें साथ में दिखती है, तो इस चीज़ को कवर करने के लिए मैंने ट्राइपॉड मंगाया। तो इसका हम पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। जो चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ कि हैंड में ये चीज़ें कवर नहीं होती हैं, तो वो चीज़ को मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा बाद में। पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके अंदर मैंने किस तरह का ट्राइपॉड मंगाया है तो वो चीज़ पहले देख लेते हैं, फिर हम ब्लॉगिंग का सेटअप उसके वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह वो चीजें आपको कवर करनी है। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग जल्द से जल्द कर लेते हैं। तो ये अमेजोन से मंगाया है, पहले ये बाहर को निकल रहा था। तो ये इसके अंदर निकलता है और नीचे हैंड ये निकलता है गैप। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। थ्री वे ये निकला हुआ है। तो मैनोपोर्ट है, स्टैंड है, मिनी है, ट्राईपोर्ट सब बन जाता है इसमें। थ्री वे है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं पहले जल्द से। तो इसमें एक वो मिला है जो आपको ट्राईपोर्ट के साथ ही मिलता है स्क्रू टाइट करने के लिए, और ये चीज़ आपकी यहाँ पे लग जाती है। तो ये हम बाद में कर लेंगे टाइट वे। तो इस तरह ये आप कर सकते हैं, यहाँ से कर देता हूँ इसको टाइट। तो इस तरह ये इसमें अटैच हो जाता है। तो ये GoPro ये ट्राईपोर्ड इस तरह दिखता है आपको। तो इसको आपको स्क्रू उसको ऐसे खोल लेना है। एक स्क्रू इसका यहाँ का है, ये ढीला हो गया। तो ये इस तरह खुलेगा, इसको आप लूज करेंगे तो इस तरह ये आपका ट्राईपोर्ड खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह आपका ट्राईपोर्ड खुल जाएगा। इसमें आप कहते हैं इसको जिसको ऐसे मिनी ऐसे भी शूट कर सकते हैं, और कहते हैं इसको आप मिनी ट्राईपोर्ड बना सकते हैं अपना इस तरह का। तो पहले हम GoPro इसमें अटैच करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह ये उपयोग होता है। तो मैं पहले GoPro से शूट कर रहा हूँ इसको, कहते हैं मैं कहते हैं सुपर वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ। तो मैं इसे हाथ से पहले शूट कर रहा हूँ अपने हैंड से। तो ये आपको हैंड मेरा कवर इसमें दिख रहा होगा आपको कि इसमें चीज़ें आपको शो ऑफ हो रही होंगी पूरा। तो बिल्कुल आपको अजीब, आपके ब्लॉग को अजीब बनाता है ये, आपकी चीज़ें ऐसे कवर होती है। तो इसके लिए मैं इस ट्राईपॉड को लेकर आया हूँ। तो आपका पीछे मेरा व्यू भी देख सकते हैं, इतनी चीज़ें आपकी कवर नहीं हो पाती क्योंकि आपको कहते हैं ये बिल्कुल इतना हैंडी इतना लंबा नहीं होता आपका कि आपको सब चीज़ आपकी शो ऑफ हो जाए। तो ये आपकी सारी मेरा पीछे का देख सकते हैं, आपका पूरा बैकग्राउंड आपको पूरी तरह से कहते हैं सुपर वाइड एंगल में भी आपको नहीं दिख पा रहा होगा। तो इसके लिए मैंने ट्राईपॉड मंगाया, इस ट्राईपॉड को इसमें अटैच करते हैं, फिर इसकी वीडियो अलग से शूट करते हैं, फिर देखते हैं इसमें दोनों में क्या फ़र्क है। ये मैंने अभी हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें आपको चीज़ें कवर हो रही है नहीं हो रही है पीछे आपको दिख रहा होगा, और हाथ में मेरा आपकी चीज़ें भी आपको दिख रही होंगी। इसमें पहले मैं ट्राईपॉड लगाता हूँ, फिर उससे हम ब्लॉग करते हैं आपका आपका ब्लॉग और भी अमेजिंग उससे बनता है। तो ये चीज़ हम देखते हैं पहले। पहले हम GoPro को लगा देते हैं इस तरह। तो इसको हम पीछे इस तरह इसको स्क्रू लगा लेंगे, इसमें टाइट कर लेंगे। तो बिल्कुल आपको बराबर करना है इसको नीचे रख के। तो ये पहले आपका कवर हो जाएगा, तो आपको इसमें सीधा कवर करना है। तो ये पहले आपका मिनी ट्राईपोर्ड में आता है। तो मिनी ट्राईपोर्ड इस तरह होता है, तो मिनी ट्राईपोर्ड में भी इसको हम शूट कर लेते हैं एक बार। तो इस तरह आपका मिनी ट्राईपोर्ड में शूट हो जाता है। इसमें भी आपको पीछे बैकग्राउंड की चीज़ें आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखेंगी, और आपको हैंड भी इतना क्लियरली दिखाएगा कि इसमें कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। तो हम इसमें भी दो व्यू में और शूट करने वाले हैं। पहले आप इसमें देख सकते हैं, तो पीछे आपके बैकग्राउंड की रिव्यू देखिए, कितना पीछे बैकग्राउंड कितना क्लियर आ रहा है आपको, और पीछे सुपर वाइड एंगल में आपको पूरी चीज़ें कवर होते हुए दिख रही होंगी। इधर देखिए तो सब चीज़ें दिख रही होंगी। इसको मैं इतना कर सकता हूँ ऊपर, इससे ज़्यादा नीचे नहीं कर सकता क्योंकि इसे मैंने मिनी ट्राईपोर्ड भी बना रखा है। तो इसको एक बार थोड़ा सा खोल लेते हैं एक बार। तो इस तरह हमको थोड़ा खोल के एक बार सुपर कर लेते हैं। तो इसको हमें इस तरह कर लेते हैं। तो इसको हम पहले दोनों स्क्रू टाइट कर लेते हैं इसके। तो इस तरह हम इसको टाइट कर लिया है। तो हम इसको आप कहते हैं सेल्फी स्टिक के में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम इसको इतना ऊपर ले आएंगे कि आपका देखो ड्रोन का भी सूट करेगा ड्रोन की तरह। तो आप देखिए कितना इसमें वाइड एंगल में आपको सब चीज़ें दिख रही होंगी। तो इसमें कहते हैं सब चीज़ें आपको क्लियर दिखेंगी, और आपका ब्लॉग भी इसमें अमेजिंग बनेगा। तो आपका हैंड भी इसमें कितना ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा क्योंकि आप सेल्फी स्टिक में इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको और ढीला करके आप इस तरह इसे और नीचे कर सकते हैं इस तरह। तो आप जिस तरह इसको शूट करना चाहते हैं, इसको इस तरह जैसे रखना चाहते हैं इस तरह रखना चाहते हैं इसको, इसको ऐसे टाइट कर लीजिए और इसको इस तरह टाइट कर दो। तो इस तरह इसको टाइट कर सकते हैं आप। तो इस तरह भी आपको ब्लॉग शूट कर सकते हैं आप देखिए। तो इसमें मैंने अपने हैंड को कहते हैं इसमें एक फोल्ड कर लिया इसको, और इस तरह इसको शूट कर रहा हूँ। तो इस तरह आप इसको शूट कर सकते हैं इस तरह, और आपको पूरी चीज़ें आपको देख रहे होंगे। इसको आप कहीं भी इस तरह घुमाएं
तो आपको आपको ग्रिप भी इसमें ना इतना ऑलमोस्ट आपको ना ग्रिप इतनी अच्छी दिखती है तो आपको पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें एक चीज़ और है तो उसको और दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर एक चीज़ और है वो भी हम इसको कवर कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ आती है आपका मिनी ट्राइपॉड, तो ये भी आपका काम करती है, बहुत जगह में काम कर जाती है। तो इस तरह ये होगा, तो इसके हम मिनी ट्राइपॉड को हम इसको शूट कर लेते हैं एक बार। तो इस तरह इसको हम इसको इसका मिनी ट्राइपॉड इस तरह होगा, इस तरह आपको नीचे से खोलने का इसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और इसको यहाँ पे आपको पुश करके इसको खोलना है इस तरह, थोड़ा पुश करेंगे इससे थोड़ा इस तरह आपको बाहर ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक इसमें लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह इसको इसको एक बार लगा देते हैं, इसको स्क्रू यहाँ से खोलेंगे और इसको यहाँ पे साइड में रख के इसको इस तरह लगा लेंगे इसमें। तो ये मिनी ट्राइपॉड का भी आपका काम करेगा। तो हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है, तो इसको भी हम मिनी ट्राइपॉड की तरह ऐसे यूज़ कर सकते हैं और इसको ऐसे ग्रिप भी खोल सकते हैं और इस तरह आपको इसको शूट कर सकते हैं इस तरह। तो देखिए आप किस तरह आपको इसमें वाइड एंगल आपको ग्रिप इतनी अच्छी मिलती है। तो इसमें आपको चार एंगल, आपको दो एंगल इसमें आपको मैंने दिखा दिए थे, इस तरह आपको मिल जाएंगे। तो हम इसको ऐसे खोल के भी इसको इस तरह शूट कर सकते हैं। तो आपको कहीं पे कहते हैं मेरे शॉट लेना हो तो इसको इस तरह रख लीजिए, और ना तो आपको एक ऑप्शन इसमें और आता है तो वो भी आपका बेटर है। इसको हम पहले स्क्रू इस तरह खोल लेंगे यहाँ से, तो जल्दी से इसको स्क्रू खोल लेते हैं। GoPro निकालेंगे इस तरह। तो अब इसको हम कहते हैं इस तरह इसको इसके अंदर इसका इसका जो हमने इसके अंदर ढक्कन होता है इसको हम उल्टा फोल्ड कर देंगे इस तरह। तो इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इसको इसमें अटैच कर देंगे ऐसे करके। इसमें आपका ये मिनी ट्राइपॉड आपका आपको अपना अकेले शॉट लेना चाहते हैं तो इस तरह भी आप इसको शॉट ले सकते हैं इस तरह। इसको दोबारा यहीं पर अटैच करेंगे आप, तो इस तरह भी आप इसमें वीडियो बना सकते हैं इस तरह। तो इसको मेरे को खड़े होकर कोई शॉट लेना है तो मैं इस तरह इसको ऐसे रख के वीडियो शूट कर सकता हूँ। तो एक बार देख लेते हैं कैसा इसमें आता है। तो इस तरह भी हम इसको इस तरह शूट कर सकते हैं इसमें। तो आप ले सकते हैं इसमें मेरा क्या पूरा एंगल इसमें आपको दिख रहा होगा वाइड एंगल की तरह, तो वाइड एंगल में मैं शूट कर रहा हूँ। और इसको हमने ट्राइपॉड की तरह इसको यूज़ करा, नीचे इसका स्टैंड लगा दिया है। तो आप मिनी ट्राइपॉड भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत तरह के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसको बहुत चीज़ें क्वालिटी में बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आपको यूज़ कर सकते हैं मिनी ट्राइपॉड नॉर्मल ट्राइपॉड। तो सारे एंगल मैंने ऑलमोस्ट आपको दिखा दिए हैं इसमें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।